स्वागत है जी आपका स्पोर्ट्स आर पर। मेरा नाम है आकाश और हमारे साथ जुड़ गए हैं कुछ इंडिया के फैंस, हट्टे कट्टे और किंग कोहली से बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं इंस्पायर्ड लग रहे हैं। और भाई क्योंकि दिल्ली बॉयज हैं, होना भी चाहिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, विराट कोहली का ये वर्ल्ड कप नेक्स्ट लेवल जा रहा है, मतलब उन्होंने आग लगा रखी है। और जब दिल्ली में भी हुआ था मुकाबला तब भी इतनी ज़्यादा हाइप उनकी बनी हुई थी, इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है। ओवरऑल सर, विराट कोहली क्या वो रिपीट कर पा रहे हैं 2011 जब सचिन सर के लिए हमने वर्ल्ड कप जीता था, इस टाइम हमें रोहित और विराट के लिए भी वर्ल्ड कप जीतना है। हाँ जी सही कर रहे हैं सर। मतलब आपको उम्मीद है पूरी वर्ल्ड कप जीत रहे हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल जी। अब क्या लग रहा है, इंडिया जरूर जीतेगी और सचिन, वो विराट कोहली सचिन पाजी का रिकॉर्ड तोड़ के रहेंगे। अच्छा रिकॉर्ड तोड़ के रहेंगे। देखिए विराट कोहली आर अश्विन दो ऐसे खिलाड़ी बन सकते हैं पॉसिबली जिन्होंने इंडिया के लिए दो ओडीआई वर्ल्ड कप जीते हैं। मतलब ये नेक्स्ट लेवल ही हो जाएगा अगर विराट कोहली यही सब अचीव कर पाए। और सर तो ऑस्ट्रेलियन जर्सी में यहाँ पर है, थोड़ा सा बैटल होना चाहिए ना फॉर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया टुडे सर, क्या टीम स्टार्ट तो तगड़ा हो गया वहाँ पर 120 ऑस्ट्रेलिया के बाहर जाने के चांसेस है वर्ल्ड कप से, इसलिए हम चाहते हैं कि आज का मैच ऑस्ट्रेलिया अच्छे डिफरेंस से जीते ताकि ऑस्ट्रेलिया के चांसेस बने सेमीफाइनल में इंडिया से टकराने के और पाकिस्तान के इंडिया के साथ भारत के साथ फाइनल में टकराने आप के। उनके चांसेस तो बढ़ा रहे, हमारे क्यों घटा रहे हैं हारने के? हम इंडियंस को तो जीतना ही है ना हर मैच। अच्छा आप कह रहे हो तगड़े कंपटीशन से जीतेंगे और मजा आएगा, ऑस्ट्रेलिया को सेमीज में मारना है? हाँ जी, एक्चुअली सेमीफाइनल में आपने 2003 का वर्ल्ड कप याद होगा जब कीनिया सेमीफाइनल में पहुंच गया था तो वो नीरस हो गया था सेमीफाइनल का मैच। इसलिए हम चाहते हैं कि सेमीफाइनल टॉप फोर फाइनलिस्ट में हो, साउथ अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान। सर क्या ही आपकी नॉलेज है, आपने 2003 की रेफरेंस ड्रॉ कर दी है। बिल्कुल उसी साल ऐसा हुआ था। बिग फैन ऑफ क्रिकेट, मैंने खाना नहीं खाया था 1996 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में इंडिया की हार के बाद, जब श्रीलंका से हम हार गए थे। मैं सिक्स्थ स्टैंडर्ड में पढ़ता था। सर भाई ये देखिए इतना पुराना पैशन है और इसी वजह से आप देख रहे हैं, ये कोई ऐसा नहीं केवल न्यूट्रल क्रिकेट फैन। तब के टाइम में मेरा डेमियन फ्लेमिंग बॉलर होता था, ऑस्ट्रेलिया का फेवरेट बॉलर था, मैं उसी के एक्शन को इमिटेट करता था। डेमियन फ्लेमिंग आई थिंक 90s में वो एरा जब आते ग्लेन मैकग्रा और उनके साथ उनकी जोड़ी बड़ी जस्ती थी, पर सचिन सर मारते बहुत थे उन्हें शारजा में। वो मारते थे शारजा में, तूफान आया था। आज मतलब उस समय तो आपको डेमियन फ्लेमिंग पसंद थे, इस वर्ल्ड कप में आपको क्या लगता है सबसे प्रीमियर बॉलर कौन होने वाला है इस द जो वर्ल्ड कप में आग लगाने वाला है? वर्ल्ड कप में इस वक्त इंडिया की तरफ से जसप्रीत बुमराह है, लेकिन ट्रेंट बोल्ट के आगे आने के चांसेस हैं। ट्रेंट बोल्ट है भाई, और ये भी सर इसमें भी आप स्पोर्ट ऑन हो, क्योंकि अगर बुमराह, मिशेल स्टार्क का वर्ल्ड कप उस तरीके का नहीं गया है, मतलब स्टार्क का नहीं गया है। एक्चुअली जो टीम टेंटेटिवली फाइनल में पहुंचेगी उसी का बॉलर आगे निकलेगा। ओके, उसमें अभी तक जो ट्रेंट बोल्ट है वो आगे निकल रहा है और मैट हेनरी निकल रहा है। आप इंडिया न्यूजीलैंड फाइनल देख रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है? नहीं, मैं इंडिया पाकिस्तान ही जाऊंगा फाइनल। अरे सर पाकिस्तान तो बाहर हो, उन्हें बाहर करो। क्या भी चांसेस है अगर पाकिस्तान अगले मैचेस जीत जाएगा तो चांसेस है। अच्छा सर काउंटर करना है? हाँ, सर नहीं नहीं मैं कोई काउंटर नहीं करना। अच्छा लेकिन हाँ। पाकिस्तान आई डोंट थिंक, मुझे लगता है कि देखिए मैथमेटिकल उनका चांस है, पर दूसरों के दम पे क्या जाना। दूसरों के दम पे क्या जाना, आप अपने मैचेस हारे पाकिस्तान की टीम पे क्या कहोगे आप? बिग चांस फॉर टूर्नामेंट के लिए साउथ अफ्रीका की टीम इस वक्त सबसे सशक्त टीम है जी, ये वर्ल्ड कप के लिए भारत को चैलेंज दे सकती है। बड़े मोमेंट्स में वो भी चौक करती है? चौक तो करती, लेकिन इस बार जो खिलाड़ी हैं उसके 5 और 6 में जो क्लासेन और मिलर वो संभाल लेंगे, वो 150 रन मार रहे हैं आखिरी 10 में, इसलिए वो संभाल लेंगे, वो चौक नहीं करेंगे। इंडिया ईडन गार्डन्स खेल रहा है अफ्रीका से, टक्कर देगी अफ्रीका? इंडिया को टक्कर, एक्चुअली आपको याद होगा लांस क्लूजनर ने इंडिया को हराया था एक मैच में, आई थिंक 97 में था, 97 अजहरुद्दीन की कप्तानी में इंडिया वो मैच हारा था भाई। ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल वाली क्रिकेट नॉलेज है अगर भाई जो मॉडर्न एरा केवल मॉडर्न जनरेशन देख रहे हैं। सर 90s से क्रिकेट फैन है और इसी वजह से क्रिकेट की जो हाइप है वो नेक्स्ट लेवल है। देखो ऑस्ट्रेलिया नीदरलैंड से मुकाबला है, लेकिन यहाँ पर ग्राउंड के बाहर आपको खचाखच विराट कोहली फैंस, ऑस्ट्रेलियन फैंस देख सकते हो, ये 7 बजे आपको ग्राउंड पूरा खचाखच भर जाएगा, क्योंकि अभी जितने फैंस स्टेडियम के अंदर है उससे दुगने फैंस जो है बाहर सड़कों में है, जो टिकट अभी मांग रहे हैं, ब्लैक में टिकट ले रहे हैं। और ये मैच ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड का है, इससे पता चलता है क्रिकेट का ग्लोब इंडिया में कितना बड़ा है। जबरदस्त। और सर ये लोग जो कह रहे हैं में भी वर्ल्ड कप फाइनल हुआ है लेकिन वहाँ ऑस्ट्रेलिया में
स्पेक्टेटर्स इतने नहीं थे, लेकिन इंडिया में इवन नीदरलैंड के मैच में भी इतनी कैपेसिटी में क्राउड आ रहा है। इट मींस क्रिकेट इज अ रिलीजन इन इंडिया। ओडीआई क्रिकेट को कहा जा रहा है कि यार वो अब ओडीआई क्रिकेट एक्सटेंड ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, क्या ये वर्ल्ड कप रिवाइव कर देगा ओडीआई क्रिकेट को? ओडीआई क्रिकेट का जो फ्लेवर है वो अलग फ्लेवर है जी, और जो T20 का फ्लेवर है वो 4 घंटे मूवी वाला फ्लेवर है। अगर आपने कंपटीशन देखना है तो वो आपको वनडे क्रिकेट में ही मिलेगा। सबसे बड़ा डिफरेंस सर ने वहाँ एक्सप्लेन कर दिया, जो हमें अपने शोज में कहते हैं कि T20 एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, असली क्रिकेट जैसे विराट कोहली जो आप नेक्स्ट लेवल चेस करते हुए देखते हो, 50 ओवर में हर कोई नहीं कर सकता, 20 ओवर में कर देते हैं खिलाड़ी, 2 छक्के लगा के कोई प्लेयर महान बन जाता है लेकिन वो आगे नहीं चलता। एग्जाम्पल इज क्रेग ब्रैथवेट जी, वेस्ट इंडीज का मार्लिन सैमुअल्स, 2 T20 वर्ल्ड कप उन्होंने फाइनल जीता, लेकिन वो क्लासिकल प्लेयर था, 2001 से खेला हुआ है। बिल्कुल सर बिल्कुल, वो बॉलिंग में भी उसने बताया था कि 120 की स्पीड वो वेंकटेश प्रसाद से भी ज्यादा तेज डालता था। सर नेक्स्ट लेवल आपकी नॉलेज, थैंक यू सो मच सर, आपने समय दिया अपना, थैंक यू। वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, टू बी पार्ट विद यू आल्सो सर, वी आर प्रिविलेज्ड टू हैव यू ऑन आवर शो, वी आर प्रिविलेज्ड कि ऐसे क्रिकेट फैंस जो 90s और अब जो रियल क्रिकेट फैंस हैं, केवल ऐसे नहीं कि इंडिया की जर्सी पहन ली, केवल इंडिया का मैच देख ली, ये होती है जी जेन्युइन नॉलेज, और ऐसे फैंस की वजह से क्रिकेट बचा हुआ है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। पंकज सिंह रावत, माय नेम इज पंकज सिंह रावत, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, रिजाइडिंग इन पंजाब, कर्म भूमि पंजाब है, जन्म भूमि उत्तराखंड है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। इंडिया को टक्कर, एक्चुअली आपको याद होगा लांस क्लूजनर ने इंडिया को हराया था एक मैच में, आई थिंक 1997 में था, 97 अजरुद्दीन की कप्तानी में इंडिया वो मैच हारा था भाई। ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल वाली क्रिकेट नॉलेज है, अगर भाई जो मॉडर्न एरा, केवल मॉडर्न जनरेशन देख रहे हैं, सर 90s से क्रिकेट फैन है और इसी वजह से क्रिकेट की जो हाइप है वो नेक्स्ट लेवल है। देखो ऑस्ट्रेलिया नीदरलैंड से मुकाबला है, लेकिन यहाँ पर ग्राउंड के बाहर आपको खचाखच विराट कोहली फैंस, ऑस्ट्रेलियन फैंस देख सकते हो, ये 7 बजे आपको ग्राउंड पूरा खचाखच भर जाएगा, क्योंकि अभी जितने फैंस स्टेडियम के अंदर है उससे दुगने फैंस जो है बाहर सड़कों में है, जो टिकट अभी मांग रहे हैं, ब्लैक में टिकट ले रहे हैं। और ये मैच ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड का है, इससे पता चलता है क्रिकेट का ग्लोब इंडिया में कितना बड़ा है। जबरदस्त। और सर ये लोग जो कह रहे हैं, में भी वर्ल्ड कप फाइनल हुआ है लेकिन वहाँ ऑस्ट्रेलिया में स्पेक्टेटर्स इतने नहीं थे, लेकिन इंडिया में इवन नीदरलैंड के मैच में भी इतनी कैपेसिटी में क्राउड आ रहा है। इट मींस क्रिकेट इज अ रिलीजन इन इंडिया। ओडीआई क्रिकेट को कहा जा रहा है कि यार वो अब ओडीआई क्रिकेट एक्सटेंड ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, क्या ये वर्ल्ड कप रिवाइव कर देगा ओडीआई क्रिकेट को? ओडीआई क्रिकेट का जो फ्लेवर है वो अलग फ्लेवर है जी, और जो T20 का फ्लेवर है वो 4 घंटे मूवी वाला फ्लेवर है।